आए हैं प्रदीप हमारे जो साथ में हैं और अमरा खान सबसे परम मित्र हमारे, और आज हम चारों जो चारों दोस्त हैं वो हम एक साथ मिले हुए हैं यहाँ पर। सबसे परम मित्र हमारे जो संजय इनके आगे कैमरा करो, संजय ये हमारे प्रदीप जी जो कि पिरमदारा क्षेत्र में रहते हैं पर जड़ाव खान से बिलोंग कर रहे हैं इस समय, और ये स्वयं जो हमारे कैमरा मैन इस समय हैं वो टीपी के ऊपर कैमरा करो प्रदीप। आज हमारा जो दिन रहा है बहुत अच्छा रहा है कि हम चारों एक साथ बड़े वर्षों से हम रहे कि हम एक होने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम आए हैं जड़ाव खान और इसके बाद हम जाएंगे अपने दीपा माता में खाना खाने के बाद, और उसके बाद हम अपने प्रदीप के यहाँ पर नाइट स्टे करेंगे जहाँ पे नैनी डांडा। प्रदीप जी आप कहाँ पे, प्रदीप की तरफ क्या, प्रदीप जी आप कहाँ पे, अपने गांव का नाम बताएंगे आप। नैनी डांडा मंगेड़ी गांव जहाँ पर ये हमारा भव्य स्वागत कर रहे हैं कि जहाँ पे यहाँ पे कैमरा करिए प्रदीप जी को बड़ी अच्छी दिखाइए कैमरे के आगे, जहाँ पर ये स्वागत कर रहे हैं ये कह रहे हैं हम आज मच्छी भी बनाएंगे और हम भुज्जी हरी भुज्जी साग, और आज हम अपना आनंद लेंगे पहाड़ में चूल्हे के बगल में बैठ के पहाड़ी अंदाज में। तो प्रदीप जी आप हमें ये बताइए कि इस पे किस प्रकार का वातावरण यहाँ रहेगा, अब हम इससे आगे कितनी दूरी तय करेंगे और कब हम अपने घर पहुँचेंगे नजदीक यहाँ से। तो हमें दीवा के लिए बोलो एक घंटा तीस किलोमीटर जाना होगा, 30 किलोमीटर जाना होगा। बिल्कुल प्रदीप जी आज हम आए हैं और जो हम इस समय जड़ाव खान के छोले सूर्या होटल बड़े फर्स्ट क्लास पे चावल और मतलब 30 रुपए में कम से कम खाना हम जो खा रहे हैं यहाँ पर, बहुत खाना हमने खा लिया है। और ये हमारे संजय सिंह है जो कि कह रहे हैं कि खाना आराम से खाइए, इसका खाने का अंदाज लीजिए वो बहुत ही, संजय जी ये बहुत हमारे अच्छे हैं संजय जी। और अब हमने 3 दिन की हमारी यात्रा कम से कम रहेगी यहाँ पे, हमारे दोस्त जो प्रमुख टीपी हमारे दिल्ली से आए हुए हैं, मेन हमारे जमाते जिनका प्रोग्राम बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम इन्होंने रखा हुआ है, बहुत लंबा खाना ये खिला रहे हैं हमको यहाँ पर। और हमारे ये जो चावल हैं जड़ाव खान के बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे जड़ाव खान के, ये हमारे हेलमेट भी रखे हैं, हम गाड़ी से आए हुए हैं बाइक से आए हुए हैं यहाँ पर, और अब हमको निकलना भी है यहाँ से, देरी की हमें समय का हम अभाव बहुत हमारे पास है, हम बहुत तेजी से हम इस काम को कर रहे हैं। पर हमारा जो हमने मरचूले के छोले भी खाए और हम चावल भी बड़े बड़े से, ये देखो प्रदीप जी बड़े चावल बड़े बड़े से पेले जा रहे हैं कि इनको लग रहा घर ही नहीं आएगा, पर ये बहुत दबा के पेले जा रहे हैं चावल को, और बस अब ये निकलना यहाँ पे जा रहे हैं। संजय जी ये किस प्रकार का हुआ है बताइए, मतलब जो माहौल है हमारे पहाड़ी कल्चर है, हम रामनगर क्षेत्र से जब बिलोंग करते हैं हम चारों के चारों आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे के दोस्त, हम जब हम बेंच उठाते थे बेंच हमारा चोरी भी हो गया तो उसके बाद हम सबसे फर्स्ट बार यहाँ पे मिले हैं, किस प्रकार का आपका वो रहा है? बहुत ही बढ़िया जो इतने सालों बाद हम चारों मिले हैं, और हमारा एक जो हमारा ग्रुप है दोस्ती है, हम चारों का एक ड्रीम था कि हम कब एक साथ मिले, और आज हम बिना, हमने थोड़ी बहुत लड़ाई भी करी सुबह कि जग जग भी करी कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पर फिर भी हम सम्मेलन करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो किस प्रकार से आप हमें बताइए, पूरे हमारे दर्शकों को और हमारे YouTube चैनल को बताइए, हमारे हम चार हैं।